नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लेते थे, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले से वीडियो जाकर देखे, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कराया कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या करा है कि एन के नेचुरल नंबर्स के लिए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए इसको उन लोगों को पीएमआई से सॉल्व करना है, प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हम लोगों को ये स्टेटमेंट दिया गया उसको पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट पी ऑफ, यहाँ पे एन लिखेंगे और यहाँ पे सेमी कॉलन डालेंगे। कॉपी कर दीजिए यहाँ से, 1+3+3² + 3³+$(n-1=1/2, ये जगह 3 का पावर n-1। पहला स्टेप को क्या किया, कॉपी कर लिए। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 स्टेप में, तो लिखेंगे पहले स्टेप वन जो होगा सर, इट इज 2 4 n=1। पहला स्टेप ये चेक करेंगे n=1 के लिए, लिखेंगे 4 n=1। n=1 के लिए क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों चेक करेंगे। देखिए LHS क्या होता है, LHS n=1 के लिए जो फर्स्ट टर्म होता है वही होता है, या आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं LHS का वैल्यू क्या है, 1+3+3² + 3³+(n-1), n वाला टर्म यहाँ पे है, आप यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं या इसका फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे LHS क्या डायरेक्ट 1 लिख लीजिए या 3 का पावर n-1 है ना, इसमें क्या कीजिए n के जगह 1 पुट कर दीजिए। 3 का पावर क्या हो जाएगा, 1-1, ये हो जाएगा 3 का पावर 0 = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से भी देख रहे थे कि n का वैल्यू n=1 के लिए LHS क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था, यहाँ से भी 1 ही आया है। या तो LHS यहाँ से डायरेक्ट 1 लिख दीजिए या यहाँ पे क्या लास्ट टर्म में क्या पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे RHS से आएंगे, RHS में क्या 1/2, यह 3 का पावर n-1, यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दीजिए तो 3 1/2 3 का पावर 1 और ये -1। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 1/2 × 3 का पावर 1 हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 1/2 × 2 यानी कि 1 हो गया। देखिए RHS का और LHS का वैल्यू कितना आया, LHS का वैल्यू 1 और RHS का वैल्यू 1 आया। तो लिखेंगे सिंस LHS = RHS, सो इट इज ट्रू फॉर n=1। ये पहला स्टेप हम लोग क्लियर होगा कि n=1 के लिए LHS और RHS इक्वल होंगे। अब यहाँ लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग क्या करें, एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू होगा n=k के लिए। लिखेंगे कि लेट अस सपोज इट इज ट्रू फॉर n=k। ये मान लिए कि n=k के लिए क्या है, ये ट्रू है। तो जहां जहां दोस्तों इसमें n है स्टेटमेंट में, वहां वहां क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, p ऑफ k हो जाएगा। यहाँ n क्या होगा, k से रिप्लेस हो जाएगा। जहां जहां इसमें n है वहां वहां क्या हो जाएगा, k आ जाएगा। ये हो जाएगा p ऑफ k, ये जाएगा सेमी कॉलन इक्वल टू। अब यहां पे देखिए ये है यहाँ पे p ऑफ n और यहाँ पे सेमी कॉलन, ये 1+3+3² + 3³ + यहाँ पे 3 का पावर n-1, तो ये हो जाएगा 3 का पावर k, ये -1 हो जाएगा, इक्वल टू ये 1/2 3 का पावर n, तो 3 का पावर k और ये -1। क्या किया दोस्तों, देखिए ये जो स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे इसमें क्या किया है, n के जगह पे क्या किया है, k पुट कर दिए हैं। तो 1+3+3² + 3³ + 3 का पावर k-1 = 1/2 3 का पावर k-1। ये क्या हो गया, n=k के लिए स्टेटमेंट हुआ। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और स्टेप 3 देखिए, स्टेप 2 में इतना ही करना था। स्टेप 3 में क्या है कि लिखेंगे टू सो दैट इट इज true for n=k + 1।
और वो शो करना है कि ये स्टेटमेंट जो है एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए क्या है, ट्रू है। क्या करेंगे, जहां जहां स्टेटमेंट में एन था उसके जगह क्या करेंगे, के प्लस वन पुट कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा के प्लस वन, यहाँ पे सेमी कॉलन। अब आगे देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब। देखिए यहाँ पे ये वन प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट प्लस थ्री का पावर, देखिए एन माइनस वन है, थ्री का पावर क्या एन माइनस वन, एन के जगह पे क्या करेंगे के प्लस वन पुट करेंगे, एन के जगह क्या करेंगे पुट के प्लस वन। ये हो जाएगा के प्लस वन माइनस वन इक्वल टू ये वन अपॉन टू और यहाँ पे है थ्री का पावर एन, तो थ्री का पावर हो जाएगा के प्लस वन और ये माइनस वन। देखिए हम लोगों को शो क्या करना है कि इसका रिजल्ट हम लोगों को इतना लाना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए ये हो जाएगा माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री का क्यूब प्लस डॉट प्लस ये थ्री का पावर के इक्वल टू वन अपॉन टू, ये हो जाएगा थ्री का पावर के प्लस वन और ये माइनस वन। ये हम लोगों को दोस्तों प्रूव करना है, ये क्या करना है प्रूव करना है। और हम क्या करें यहाँ पे एलएचएस जाएंगे, ये है एलएचएस, इसके हेल्प से हम लोग इसको क्या करना प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे एलएचएस ये वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस थ्री का पावर के। अब दोस्तों देखिए कि ये जो है हम लोगों को ये क्या है के प्लस वन टर्म है, ये कौन सा टर्म है के प्लस वन, क्योंकि एन के जगह पे के प्लस वन रखे हैं ये आया है, तो के प्लस वन देखिए ये क्या है के प्लस वन टर्म है ना, ये के प्लस वन टर्म है। इससे पहले क्या होगा बताइए, इससे पहले क्या होगा यहाँ पे के एक्स टर्म होगा, के प्लस वन से पहले क्या हो जाएगा के हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वन प्लस थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का क्यूब प्लस डॉट ये प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये के प्लस वन टर्म के जगह पर यहाँ थ्री का पावर किया गया, के एक्स टर्म क्या होगा यहाँ पे के वाला टर्म लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे के वाला टर्म यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री का क्यूब प्लस डॉट एन के जगह पे यदि यहाँ पे के पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री का पावर के माइनस वन होगा, होगा ना। देखिए यहाँ पे एन के जगह के पुट करेंगे क्या हो जाएगा थ्री का पावर के माइनस वन, यहाँ पे लिख लीजिए ये यदि के प्लस वन टर्म है यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री का पावर क्या हो जाएगा के माइनस वन हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये के प्लस वन टर्म, यही दोस्तों समझना है। देखिए ये के प्लस वन टर्म हो गया और ये हो गया के टर्म हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं के प्लस वन टर्म से पहले क्या हो जाएगा के टर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग इक्वेशन वन लेट किए हैं क्या यही चीज है बताइए, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ही इक्वेशन वन है, वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट प्लस थ्री का पावर के माइनस वन। देखिए यही इक्वेशन वन होगा, देखिए ये वन प्लस थ्री प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट प्लस थ्री का पावर के माइनस वन, उसके जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं ना हाफ थ्री का पावर के माइनस वन, यही समझना है यहाँ पे। इसके जगह हम लोग क्या किए पुट कर दिए हाफ और ये हो जाएगा थ्री का पावर के माइनस वन प्लस, और ये क्या है के प्लस वन की जगह पर थ्री का पावर के, तो एज इट इज है। देखिए यहां से यहां तक क्या हुआ के एक्स टर्म जो इक्वेशन वन लेट किए थे ये आया क्या हाफ थ्री का पावर के हाफ इंटू थ्री का पावर के माइनस वन और ये प्लस थ्री का पावर के एज इट इज, यहाँ बगल में लिख लीजिए कि यूजिंग इक्वेशन वन, ये दोस्तों इसका मेन पार्ट समझना है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो फाइनल हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा ये हाफ थ्री का पावर के प्लस वन माइनस वन, ये हम लोगों को लाना है। देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए पिछला पेज में आया था हम लोगों को हाफ वन बाई टू ऑफ थ्री का पावर के माइनस वन प्लस थ्री का पावर के, देखिए ये हम लोग यहाँ पे लिखे जो हम लोगों को प्रूफ करना है। आगे देखिए ये वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, वन अपॉइंट टू थ्री का पावर के माइनस वन अपॉइंट टू प्लस थ्री का पावर के, ठीक है थ्री का पावर के को एक साथ में लिख देंगे, ठीक है वन अपॉइंट टू थ्री का पावर के प्लस थ्री का पावर के और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू। आगे देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए टू, ये हो जाएगा हम लोगों को थ्री का पावर के
प्लस ये जगह टू इंटू ये थ्री का पावर के और ये माइनस वन अपॉन टू। अब आगे देखिए थ्री का पावर के इंट थ्री का पावर के प्लस टू इंटू थ्री का पावर के, यहाँ नहीं कुछ यहाँ वन समझिए, यहाँ पे थ्री का पावर के प्लस टू का पावर थ्री टू प्लस टू इंटू थ्री का पावर के, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री इंटू ये हो जाएगा थ्री का पावर के ओके अपॉन में टू और ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू ओके। इस दोनों देखिए लाइक टाइम इसको क्या क्या कंबाइन कर दिए। अब यहाँ पे क्या कीजिए वन अपॉन टू क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, वन अपॉन टू कॉमन लेंगे तो हो जाएगा थ्री इंटू थ्री का पावर के और ये माइनस वन। अब आगे देखिए ये वन अपॉन टू देखिए यहाँ पे बेस क्या है सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या ऐड हो यहाँ नहीं कुछ यहाँ पे वन है, ये हो जाएगा हम लोगों को थ्री का पावर वन प्लस के को हम लोग क्या ले सकते हैं के प्लस वन ले सकते हैं और ये माइनस वन। ये देखिए हम लोग को प्रूफ करना है वन अपॉइंट टू ये हो गया इंटू थ्री का पावर के प्लस वन माइनस वन, देखिए ये हम लोग को प्रूफ करना था ना कि वन अपॉइंट टू इंटू थ्री का पावर के प्लस वन और ये माइनस वन, ये क्या हो गया आर एच एस हो गया, ये क्या हो गया आर एच एस। यहाँ पे देखिए वन अपॉइंट टू इंटू थ्री का पावर क्या है ना, देखिए बेस क्या सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाए ऐड हो जाए तो वन प्लस के कितना हो गया देखिए थ्री का पावर वन प्लस के लिखिए के प्लस वन लिखिए एक ही बात है ये माइनस ये वन। देखिए सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हेंस बाय पी एम आई के प्लस वन इज टू फोर ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इसका आंसर हो गया कि हेंस बाय पी एम आई के प्लस वन इज टू फोर, ऐसे लिख लीजिए पी के प्लस वन इज टू फोर ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एन के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये कंडीशन क्या है टू है, ये हम लोगों को प्रूव हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों को समझ में आ गया, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर हम लोगों को दिया गया है टू प्लस सिक्स प्लस एटीन प्लस डॉलर प्लस टू इंटू थ्री का पावर एन माइनस वन इक्वल टू थ्री टू द पावर एन माइनस वन। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे लेट पी ऑफ एन और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाए इसको स्टेटमेंट को कॉपी कर देंगे टू प्लस सिक्स प्लस एटीन प्लस डॉट प्लस टू इंटू थ्री का पावर एन माइनस वन इक्वल टू थ्री का पावर एन माइनस वन। और हम क्या करेंगे पहले स्टेप वन चेक करेंगे, लिखेंगे स्टेप वन, स्टेप वन लिखेंगे फोर एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन के लिए चेक करेंगे लिखेंगे यहाँ पे एल एच एस, एल एच एस देखिए एल एच एस क्या करेंगे एल एच एस में हम लोग क्या करेंगे या तो इसका फर्स्ट टर्म यहां से उठा लेंगे फर्स्ट टर्म ले लेंगे ये एल एच एस हो जाएगा एन इक्वल टू वन के लिए या यहां पर हम क्या करेंगे पुट करेंगे एल एच एस का क्या यहां से लेके यहां तक लास्ट टर्म में हम क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए एन इक्वल टू वन के लिए क्या आएगा टू ही आएगा फोर एन इक्वल टू वन के लिए ठीक है। देखिए यहाँ पे टू इंटू थ्री का पावर एन माइनस वन है ना, इसमें एन की जगह वन पुट कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को टू इंटू ये जगह थ्री का पावर ये वन माइनस वन टू इंटू थ्री का पावर जीरो, हम लोग जानते हैं किसी चीज का पावर जीरो कितना होता है वन होता है यानी कि ये हो जाएगा टू। यहाँ देखिए टू एन इक्वल वन के लिए क्या टू ही आ रहा फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे देखिए आर एच एस चाहिए, आर एच एस में थ्री का पावर एन माइनस वन है एन की जगह वन पुट कीजिए क्योंकि फोर एन इक्वल टू वन के लिए चेक करें थ्री का पावर वन माइनस वन थ्री का पावर में जगह थ्री माइनस वन यानी कि टू। लेकिन सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सो इट इज टू फोर एन इक्वल टू वन, ये एन इक्वल टू वन के लिए हम लोगों को चेक हो गया कि ये सही है स्टेटमेंट ठीक है। और हम क्या करें एज्यूम करेंगे इट इज टू फोर के पी ऑफ के, देखिए आगे नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे स्टेप टू में लिखे लेट अस सपोज इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, जो स्टेटमेंट था पी ऑफ एन था तो एन की जगह से क्या किया पुट कर दी इक्वल टू यहाँ था टू प्लस सिक्स प्लस एट प्लस डॉट ये था प्लस टू इंटू थ्री का पावर एन था तो एन की जगह हम लोग क्या किए देखिए एन माइनस वन टू इंटू थ्री का पावर एन माइनस वन था तो एन की जगह क्या किया पुट कर दिए तो टू इंटू थ्री का पावर के माइनस वन हो गया इक्वल टू यहाँ था थ्री का पावर एन एन की जगह यहाँ पे के पुट कर दी इसको इक्वेशन वन लेट कर लिए।
अब लिखें यहाँ पे स्टेप थ्री लिखेंगे। स्टेप थ्री लिखेंगे वी हैव टू प्रूफ पी के प्लस वन इज टू। ऐसे वैसे भी लिख सकते हैं कि वी हैव टू प्रूव, या लिखेंगे यहाँ पे स्टेप थ्री में कि वी हैव टू प्रूफ के प्लस वन इज टू, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इस आगे यहाँ पे देखिए जहां जहां n है उसके हम क्या करेंगे, k प्लस वन पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा p, यहाँ पे k था सॉरी n था तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस वन सेमी कॉलन, ये हो जाएगा टू प्लस सिक्स प्लस यहाँ दोस्तों एटीन है यहाँ पे एटीन प्लस डॉट प्लस ये टू इंटू ये थ्री का पावर देखिए n था यहाँ पे क्या था टू इंटू थ्री का पावर n था, n के जगह क्या करेंगे k प्लस वन और यहाँ पे माइनस वन, क्या था टू इंटू थ्री का पावर n माइनस वन, n के जगह क्या किया k प्लस वन पुट कर दिए इक्वल टू ये थ्री का पावर n माइनस वन, थ्री का पावर n के जगह क्या करेंगे k प्लस वन ये माइनस वन। देखिए ये हम लोग क्या है प्रूव करना है, देखिए माइनस वन से प्लस वन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को टू प्लस सिक्स प्लस एटीन प्लस डॉट प्लस ये टू इंटू थ्री का पावर k इक्वल टू थ्री का पावर k प्लस वन माइनस वन, ये हम लोगों को लाना है। ओके ये LHS, LHS हम लोग आएंगे लेकिन यहाँ पे LHS तो कॉपी कीजिए टू प्लस सिक्स प्लस एटीन प्लस डॉट प्लस टू इंटू थ्री का पावर k, वही स्टेप देखिए यहाँ पे ये क्या है k प्लस वन टर्म है, क्या है ये k प्लस वन टर्म, तो यहां से इससे पहला जो स्टेप होगा क्या हो जाएगा kth टर्म हो जाएगा, ये आप लिखिए इसको देखिए ये हो जाएगा टू प्लस सिक्स प्लस एटीन प्लस डॉट प्लस kth टर्म, तो देखिए kth टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो kth टर्म हो जाएगा देखिए हम लोग क्या है टू प्लस देखिए टू प्लस सिक्स प्लस एटीन प्लस डॉट यहाँ पे है टू इंटू थ्री का पावर एन माइनस वन, ये टू ऐसे रहेगा इंटू थ्री का पावर एन माइनस वन है ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा माइनस वन। ओके और ये प्लस ये तो एज इट इज है टू इंटू थ्री का पावर के, क्या समझिए ये है के प्लस वन टर्म और ये है के टर्म। आगे देखिए देखिए यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा इक्वेशन वन होगा, देख सकते हैं आप लोग ये टू प्लस सिक्स प्लस एटीन प्लस डॉट टू इंटू थ्री का पावर के माइनस वन, देखिए यहाँ पे टू प्लस सिक्स प्लस एटीन प्लस डॉट प्लस टू इंटू थ्री का पावर के माइनस वन, तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए थ्री का पावर के माइनस वन लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या कीजिए पुट कर दीजिए इसको ये हो जाएगा थ्री का पावर के और ये माइनस वन और यहाँ पे प्लस ये तो एज इट इज है टू इंटू थ्री का पावर के। और आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को थ्री का पावर के माइनस वन प्लस टू इंटू थ्री का पावर के, अब थ्री का पावर के को हम एक साथ में लिखेंगे देखिए थ्री का पावर के प्लस टू इंटू थ्री का पावर के और ये माइनस वन। ओके एक ब्रैकेट में कर लीजिए यहाँ पे देखिए इसको ऐड कीजिएगा देखिए थ्री का पावर के इंटू टू का टू इंटू थ्री का पावर के, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री का पावर के हो जाएगा माइनस वन, देखिए बेस सेम है पावर नहीं कुछ है यहाँ पे तो वन डाल दीजिए तो मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री का पावर ये वन प्लस के और ये माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसको लिख लीजिए थ्री का पावर वन प्लस के को क्या लिख सकते हैं के प्लस वन भी लिख सकते हैं और ये माइनस वन, तो यही दोस्तों हम लोगों को प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे आरएचएस में कितना लाना था थ्री का पावर के प्लस वन और ये माइनस वन, ये क्या हो गया आरएचएस हो गया। देखेंगे सिंस लिखेंगे यहाँ पे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, लास्ट में लिखे यहाँ पे हेंस बाई पी एम आई पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू फॉर ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये दोस्तों लोगों को प्रूव हो गया। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग को पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।